हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को महिलाओं के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्त्री और पुरुष किसी एक के बिना हम मनुष्य जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। स्त्री और पुरुष जीवन के विकास में बराबर की भागीदारी निभाते हैं, लेकिन शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर वह एक दूसरे से कई मायनों में अलग होते हैं। महिलाएं जीवन के बहुत सारे स्तरों पर पुरुषों से अधिक महत्वपूर्ण और समझदार साबित होती हैं। वहीं कुछ मामलों में वे कमजोर दिखाई पड़ती हैं। आदिकाल से ही हम सब महिलाओं को मानसिक और शारीरिक तौर पर समझने की कोशिश करते रहे हैं। महिलाओं के दिमाग को समझने और उनकी शारीरिक क्षमताओं को जानने के लिए कितने ही रिसर्च और अध्ययन बहुत लंबे समय से किए जा रहे हैं। एक अध्ययन के अनुसार महिलाओं की आंखें पुरुषों से 20% अधिक कलर्स को पहचान सकती हैं। हम लोग अक्सर कहते हैं कि महिलाएं बातूनी होती हैं। ये सच है। अध्ययन बताते हैं कि औरतें एक दिन में पुरुषों की तुलना में लगभग 13,000 अधिक शब्द बोलती हैं। एक अध्ययन के अनुसार ये पता चला कि महिलाओं का दिमाग बचपन में पुरुषों की तुलना में तेजी से विकसित होता है। इसी कारण से लड़कियां बचपन में लड़कों की तुलना में जल्दी समझदार और मैच्योर हो जाती हैं। शराब या अल्कोहल महिलाओं के शरीर को पुरुषों की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं में अल्कोहल की वजह से लीवर से जुड़ी बीमारियां बहुत जल्दी फैलती हैं। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाएं जानबूझकर खतरा उठाना पसंद नहीं करती हैं। ऐसा दिमाग के एक हिस्से के कारण होता है, दिमाग का वो हिस्सा जो निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है महिलाओं में पुरुषों की तुलना में बड़ा होता है। अमेरिकी औरतों पर किए गए कुछ रिसर्च के अनुसार महिलाएं एक साल केवल ये सोचने में बिता देती हैं कि आज उन्हें क्या पहनना है। पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक झूठ बोलते हैं। कुछ अध्ययन बताते हैं कि पुरुष दिन में औसतन 6 बार झूठ बोलते हैं, जबकि महिलाएं केवल 3 से 4 बार झूठ बोलती हैं। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में सूंघने की क्षमता अधिक होती है। महिलाओं का दिमाग पुरुषों की तुलना में छोटे आकार का होता है, लेकिन उनमें कोशिकाओं की संख्या बराबर होती है। औरतों के दिमाग की कोशिकाएं मजबूत घनत्व से जुड़ी होती हैं। अमेरिका में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। दुनिया भर में औरतों की औसतन जीवन अवधि पुरुषों से अधिक होती है। महिलाओं की पलक झपकने की गति पुरुषों की तुलना में 2 गुनी होती है। औरतें 1 मिनट में 19 बार पलक झपकाती हैं, वहीं पुरुष केवल 11 बार झपकाते हैं। एक अध्ययन के अनुसार ये पता चला कि महिलाएं जितना अधिक शारीरिक रूप से संतुष्ट होती हैं, पीरियड्स के दौरान उन्हें उतना ही कम दर्द का अनुभव होता है। औरतों की वर्जिनिटी से कोई मतलब नहीं होता है। ये झिल्ली को कई बार खेलते कूदते या कोई एडवेंचर करते हुए भी नुकसान हो सकता है। लड़कियां भी अकेले में या अपने नजदीकी दोस्तों के साथ उसी प्रकार बात करती हैं जिस प्रकार लड़के आपस में बात करते हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में सूचनाओं या खबरों को बहुत तेजी से फैलाती हैं। पीरियड्स महिलाओं के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। औरतें औसतन अपनी जिंदगी के 4 साल पीरियड के दौरान गुजार देती हैं। एक अध्ययन के अनुसार जिन महिलाओं की लंबाई अधिक होती है, उनमें कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। महिलाओं के पहनावे का ऊंची एड़ी के चप्पल या जूते, जिसका निर्माण दरअसल पुरुषों के लिए हुआ था। महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक सपने देखती हैं। महिलाओं के सपने भावनात्मक अधिक होते हैं, जबकि पुरुष अपने सपने ज्यादा समय तक याद नहीं रख पाते हैं। महिलाओं में मेकअप करने या सजने संवरने की आदत प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन रोम में औरतें मेकअप करने के लिए अन्य प्राकृतिक साधनों के साथ योद्धाओं के पसीने तक का भी प्रयोग करती थी। औरतें पुरुषों की तुलना में बचपन से ही चेहरे की हाव भाव, भावनात्मक बातों और इशारों में अधिक बेहतर तरीके से समझने की क्षमता रखती हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में सामाजिक तनाव को अधिक साझेदारी से हल करती हैं। पुरुष अधिकतर इससे दूर भागते हैं। तो मैंने आपको महिलाओं के बारे में कुछ रोचक जानकारियां दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।